खाना शुरू करें? किसी का इंतजार है? मुनीसा, वो हया ने राहत को बुलाया है हमारे साथ खाना खाने के लिए, तो हो सकता है वो आएगा। दिलशाद भी, खुशियां मांगने से नहीं मिलती, और वैसे भी राहत ने आज तक कभी हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। वो यहां नहीं आएगा किसी के बुलाने पर। मौसम और मिजाज कभी भी बदल सकते हैं मुनीसा। हो सकता है किसी ने उसको इतने सालों के बाद बुलाया है, वो आ भी जाए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अब जब सारी बातें तय हो चुकी हैं, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है अम्मी, और आप इस तरह आहिल भाई के ऊपर कोई भी फैसला थोप नहीं सकते, और वो भी निकाह जैसा अहम फैसला। साफ नजर आता है कि वे नहीं करना चाहते। शायद तुम्हें पता नहीं है रेहान, लेकिन इस निकाह के लिए उसने खुद मंजूरी दी है। अम्मी प्लीज, मुझे ये सही नहीं लग रहा। कहीं आप ये जल्दबाजी ये सोच के तो नहीं कर रहे कि एक बार ये सब कुछ आहिल भाई का हो गया, फिर आप वसीयत हासिल करने के लिए कोई और रास्ता निकालेंगे? तो क्या लग रहा है तुम्हें, क्या लग रहा है तुम्हें बेटा, कि ये सारी प्रॉपर्टी हम किसी ट्रस्ट में चले जाने दें? तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन इस जायदाद के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी, और ऐसे ही हम किसी और के हाथ में इसे नहीं जाने देंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, इस जायदाद को हम अपने खून के नाम करवा के रहेंगे। भले इसके लिए आहिल भाई की जिंदगी कुर्बान हो जाए। या अल्लाह रेहान, तुम हमेशा इतने जज्बाती क्यों हो जाते हो, क्यों हो जाते हो रेहान? हम आहिल के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। उसकी जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा उसकी जिंदगी में। वो जैसी बीवी चाहता था उसे वैसी बीवी मिल रही, निदा बिल्कुल वैसी ही लड़की है, और उसकी दोस्त भी है। दोस्त है उनकी, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत रेहान, मोहब्बत के लिए निकाह बेवकूफ करते, पर आहिल बेवकूफ नहीं। और हम जो कुछ भी आहिल के लिए कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर आहिल भाई को किसी और से प्यार हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे कभी किसी और से मोहब्बत होगी ही नहीं, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। अब जाओ, जाकर सो जाओ, और आहिल भाई के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जाओ। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये सब आप मुझे खुश करने के लिए कर रही हैं। मैंने जो कुछ भी आपके लिए किया उसका बदला चुकाना चाहती है ना। ये सच है कि मुझे अपनी तनाइयों का साथ छोड़कर सबके साथ घुलना मिलना चाहिए,
इसलिए मैं आज आपके कहने पर सबके साथ खाना खाने आया था, क्योंकि मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैं ये भी समझता हूँ कि गुजरे वक्त की परछाइयों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह मियाँ, आप जानते हैं मैं कभी कभी बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि आप चाहते क्या हैं। जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? मैं जितना अपने काम से काम रखने की कोशिश करती हूँ, आप उतना मुझे किसी ना किसी पंगे में डाल देते हैं। इतनी समझ और हिम्मत नहीं है मुझ में कि हर बार समझ जाऊं कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है। जैसे अब तक मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे इस घर में अटका के क्यों रखा हुआ है। अगर अल्लाह मियां चाहते कि तुम यहां रहो तो जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब बिल्कुल वही था, और अगर गुस्सा है गुस्सा निकाल लो। वैसे भी दोस्त इसीलिए होते हैं कि तुम उनके सामने दुनिया भर का गुस्सा निकाल लो, है ना? एनीवे, तुम इतनी रात यहां अकेली? अच्छा लगता है मुझे यहां आना। थोड़ा आराम कर लो, कल से तुम्हारा काम बहुत पड़ने वाला है। जानती हूं, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। क्यों? टूटता तारा देखना है? आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी यूं ही बचपन में पूरी पूरी रात टूटते तारों का इंतजार करता था, और तारे देखते देखते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये रिंग थोड़ी और हैवी होनी चाहिए थी, कम से कम 2 या 3 कैरेट सॉलिटेयर, इफ नथिंग। देखने वाले को भी तो पता चले कि कौन से खानदान में शादी तय हुई। पर इट्स ओके, यू नो, कुछ ही दिन की बात है, अभी तो ये सब सिर्फ शुरुआत है। निकाह के बाद तो ये सब मेरा ही तो होने वाला है। अरे ये तो तुम्हारा वो अच्छा था कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वो वक्त, हाँ, एकदम सही मौके पे बुलाया है हमने तुम्हें यहाँ। मौके का फायदा उठाना मेरी पुरानी आदत है। हाँ, बहुत वक्त वेस्ट किया है मैंने अहिल पर, कॉलेज से लेकर अब तक। उसके इरिटेटिंग बिहेवियर को बर्दाश्त किया, उसके इमोशनल ड्रामास हैंडल किए हैं, व्हाट नॉट। पर वो कहते हैं ना, टाइम इज मनी। तो बस अब वक्त आ गया है कि मेरा वेस्ट किया हुआ टाइम मनी में कन्वर्ट होने जा रहा है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।